नमस्कार, सुनो कहानी के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। और आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वह है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने सुई की नोक से भी बारीक छेद में से कारवां गुजरते हुए देखा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, सुई की नोक से भी बारीक छेद में से कारवां गुजरते हुए देखा। ये कहानी कुछ शताब्दी पहले की है, मगर है इसी देश की, इसी भूमि की। लहर तारा तालाब के किनारे एक ब्राह्मणी ने अपने नवजात शिशु को कमल के पुंज में छोड़ दिया किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से, अपरिहार्य अनअवॉइडेबल। और वहाँ पर वहाँ से गुजरते हुए एक जुलाहे दंपति ने किलकारियाँ सुनी इस प्यारे से शिशु की, और आगे बढ़कर जब उठाया तो उस शिशु को अपना ही बना लिया। कबीर नाम से जानते हैं हम और आप उन्हें। और ये शिशु जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो आसपास सामाजिक कट्टरता की सारे आयामों को देखकर उसके मन में कितने ही सवाल उठने शुरू हो गए। देखता तो ना तो वो हिंदू था ना मुसलमान, समाज जानता था कि ये बच्चा जो है इस जुलाहे दंपति को तालाब के किनारे से मिला है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं ना, वो तो शुरू से ही थी। लेकिन कभी कबीर अपने आप को गहराई से किसी भी पंथ से या जाति से जोड़ नहीं पाए। एक तरफ देखते और बड़े होते होते ये देखते कि मंदिरों में पूजा तो बड़ी ही प्रगाढ़ मन से होती है, लेकिन उसी ईश्वर के बनाए हुए मंदिर यानी इंसानों की कद्र नहीं हो रही होती। और फिर उनके मन से कुछ बातें फूटती, उस पर बाद में आते हैं। फिर वो ये भी देखते कि मस्जिदों में क्या अजान दी जाती है, मगर वहीं पे कुछ लोग इंसानों को काफिर भी कहते हैं। और ऐसे द्वंद्वों ने उनके मन में कितने ही सवाल पैदा कर दिए। और जब बहुत सवाल मन में पैदा हो जाए ना, तो इंसान ढूंढता है एक ऐसे पीर को, एक ऐसे मुर्शिद को, एक ऐसे गुरु को जो उनके जितनी भी शंकाएं हैं उनका उत्तर दे सके। और वैसे भी निर्गुरा होना कभी भी अच्छा नहीं था। और कबीर के मन में तो लौ थी जानने की कि क्या वो सही सोचते हैं या नहीं। जुलाहे थे, बुनकर थे, बड़ी सादगी से अपनी बात कहते थे, मगर फिर भी गुरु ढूंढते थे। उन्हें ज्ञान हुआ कि बनारस में संत रामानंद से बढ़िया, से ऊपर कोई और संत है नहीं। अगर वो मुझे अपना शिष्य जान लें तो बस जीवन सफल। लेकिन जब उन्होंने अनुनय विनय की तो उत्तर मिला, जुलाहे हो, बुनकर हो, वही रहो और वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। खैर, अब कबीर के मन में जो लौ थी, जो जानना था वो तो जानना था, जो पाना था वो तो पाना था, और धुन के पक्के। तो बड़ा अच्छा सा रास्ता निकाला। बच्चों को जिस समय मन होता है ना कि कुछ अपनी चीज़ पानी है, तो उनको मनवाने के रास्ते आते हैं। सुबह सुबह जिस समय संत रामानंद चले अपने दैनिक कार्यक्रम को आरंभ करने, और ब्रह्म मुहूर्त में चले जा रहे हैं, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, थोड़ा अंधकार भी है, गंगा के घाट की सीढ़ियाँ उतरते उतरते और मुँह से उच्चारण करते करते अचानक पैर पड़ा किसी के शरीर पर और मुँह से निकला राम 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 राम। और वो शरीर किसका था? युवक कबीर फुर्ती से उठ करके बैठ गए, चरण स्पर्श किए और कहा, मुझे मेरी दीक्षा मिल गई। और संत रामानंद ने कहा कि कबीर, ये क्या, तुम आहत हो सकते थे, तुम्हें चोट पहुंच सकती थी। कबीर ने कहा, आप मुझे अपना शिष्य तो नहीं मान रहे, मगर आपसे मुझे गुरु मंत्र मिल गया। कबीर की राम वो राम नहीं थे जो अयोध्या के राजा हैं, वो राम नहीं थे जो कौशल्या के बेटे थे, वो राम थे जो घट घट में रम रहे थे। तो कबीर के राम जो थे वो रम रहे थे उनके मन में, उनके शब्दों में, उनकी वाणी में। और गुरु को उन्होंने ऐसे पाया, ये भी कहा जाता है कि संत रामानंद ने उन्हें स्वीकार भी किया, और ये भी कहा जाता है कि कबीर ने उसी राम को अपना गुरु मंत्र मानकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। कबीर के मन में जो बातें फूटती थी ना, वो फूटती थी कविताओं में, छोटे छोटे दोहों में। और उन दोहों के ऐसे सार जो आज तक ऐसी निर्भीकता से कोई कह पाया हो शायद आपको मिलेगा नहीं। निर्भय निर्गुण गुण में गाऊंगा गाऊंगा,
निर्भय होकर के जो ने कहना होता था कहते थे, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली जिन पीस खाए संसार। क्योंकि उनको लगता था कि अगर धार्मिक आडंबरों में फंस जाएंगे तो धर्म का सही अर्थ और धर्म का सही मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। और उधर वो कहते, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा, दिन में रोजा रहत है रात हलत है गाय, यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। तो ना तो वो हिंदू के प्रिय हो पा रहे थे ना मुसलमानों के। इतनी साफ गोई और इतनी सच्चाई झेलना उसके लिए समाज तो तैयार नहीं था ना। पर कबीर, कबीर को तो वो कहना था जो उन्हें कहना था। हाथों से काम करते रहते और वाणी से वो कहते जो उन्हें दिखता था और जो सत्य था। धीरे 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 आप सोच ही सकते हैं कबीर के अनुयायी, कबीर के मानने वाले कितने ही हो गए, और कबीर का सत्संग लोग काम छोड़ के भी बैठने को तैयार होते। कबीर ने तो एक धुन पकड़ी थी और उस धुन में वो खुद भी रंग रहे थे और लोगों को भी रंगा रहे थे। लेकिन जब प्रसिद्धि बढ़ने लगती है तो क्या होता है, बहुत लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं आप। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती है जो बड़े आसनों पे आसीन होते हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक भी बात पहुंची और सिकंदर लोदी ने तलब किया कबीर को। कबीर जो ना हिंदुओं को मानते थे ना मुसलमान को, अपनी बात बेबाकी से कहते थे, उन्हें तलब किया कि सुबह दरबार में हाजिर हो। और जिस समय उन्हें कहा गया कि सुबह दरबार में हाजिर हो, कबीर सुबह पहुंचे नहीं। और शाम को जब उन्हें लगा कि मुझे दरबार में चले जाना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने पगड़ी बांधी, तुलसी की माला गले में डाली, चंदन सिर पर लगाया और उसी अपने साफे में एक मोर पंखी भी खोसी। आप कभी भी कबीर का चित्र देखें उसमें आपको उनका ऐसा रूप मिलेगा। और ऐसा रूप वो कभी धारण नहीं करते थे, मगर उस दिन के लिए उन्होंने धारण किया। जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं और कड़क की आवाज़ होती है कि बादशाह को सलाम करो, सजदा करो, और कबीर नहीं करते। और गरज कर जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर फूटता है एक और दोहा, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पीर पर आई जाने ना जो सो काफिर बेपीर। बादशाह तो बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें सुबह बुलाया गया था और तुम इस समय आ रहे हो और मुझे ये सब सुना रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। कबीर ने कहा, बादशाह मैंने कैसा नज़ारा देखा कि मैं उस नज़ारे में उलझ कर रह गया। बादशाह ने कहा, क्या नज़ारा देखा तुमने, हमें भी बताओ। और बादशाह को कबीर ने क्या बताया कि मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से कारवां गुजरते हुए देखे। दरबार के लोग तो हंसने लगे, कहने लगे कि ये देखो क्या क्या बातें करता है। मगर लोदी ने तो इस बात को हल्के में नहीं लिया और उसे कहा, कबीर स्पष्ट बताओ, साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो। और कबीर का कहना था कि दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगाकर, चांद और सूरज के बीच में और स्वर्ग और नर के बीच में कितने ब्रह्मांड हैं, और जो ध्यान एक सुई की नोक से भी बारीक रोशनी पर लगता है उसमें वो सभी मंडल दिखते हैं, और उस ध्यान में मैं था जो मैं आपके दरबार में हाजिर नहीं हुआ। एक कहानी ये भी है कि उसे प्रताड़नाएँ दी गई, और एक कहानी ये भी है कि लोदी ने उनकी उनका लोहा माना और उनका सम्मान किया। खैर जो भी हो, कबीर ऐसे थे, अपनी बात कहने की स्पष्टता भी रखते थे, निर्भीकता भी, और कभी कभी कुछ आहत भी कर जाते थे, मगर कबीर तो कबीर थे ना। और तो और हमेशा उन्होंने अपने जनता को, अपने अनुयायियों को कहा, मुकु कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास रे। हम बाहर ढूंढते हैं, अनहद नाद तो अंदर बज रहा है। अंतर की तरफ लौटो, अंतर की तरफ जानो। कबीर को, मान्यताओं को और ऐसे प्रचलन जिनका कोई बेस नहीं था, जिनका कोई आधार नहीं था, उनको तोड़ने की जैसे उन्होंने ठान रखी थी। उस समय की सबसे प्रचलित मान्यता ये थी कि काशी में जो करवत ले या जो अपने प्राण तजे वो सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा, और मगहर में प्राण निकले तो तुम तो गए नरक में। अब कबीर तो कबीर, काशी छोड़कर मगहर की तरफ तब प्रस्थान किया जब उनके जीवन की संध्या हो रही थी, और ये तय किया कि प्राण जो मैं त्यागूंगा तो मगहर में। और कहा जाता है कि मगहर में जब कबीर ने प्राण त्यागे तो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हो गई। वो कहते ये पीर हमारा और ये कहते संत मेरा रे। कबीर के ऊपर से जब चादर हटाई गई तो कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ फूल मिले। मुसलमानों ने आधे फूल लेकर मज़ार बनाई और एक मंदिर बनाया गया, एक समाधि बनाई गई हिंदुओं के द्वारा। मगहर में आपको दोनों साथ साथ मिलेंगे। और देखिए ये उनकी उपलब्धि थी कि आज तक सालों सालों बाद तक उनकी वाणी को लोग गाकर आनंदित होते हैं। सूफी अब उनकी वाणी गाते हैं, गुरु अर्जन देव ने उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया, और कबीर पंथी जो हैं वो कह जाते हैं, जो शायद मर्म सभी को समझ लेना चाहिए। जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे कताना काहे की बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, आठ कवला डाल चरखा चाले, पांच तत गुण तीनी चदरिया, साई को बिना ते मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी झीनी बीनी चदरिया, आ आ। कबीर तो एक पंथ नहीं है, एक भाव है, आत्मा है उस भक्ति भक्ति मूवमेंट की, कि आप जितना जानेंगे जितना मथेंगे उतना पाएंगे। जानिए कबीर के बारे में। धन्यवाद।